मध्य प्रदेश में पुलिस के जितने भी पेट्रोलिंग वाहन है वे अब चीता मोबाइल कहलाएंगे। बता दें कि ये फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है। वहीं 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पिंजरों को खोलकर चीते को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे तब प्रदेश भर में ये चीता मोबाइल सायरन बजाएंगे। यह प्रदेश में चीता आने की खुशी में होगा। आपको बता दें कि भारत की सरजमी पर 70 साल बाद 8 चीता कदम रखेंगे। उन्हें विमान के जरिए नामीबिया से कूनो में लाया जा रहा है। पूरा मध्य प्रदेश चीतों के स्वागत की तैयारी कर रहा है। ऐसे में गृह विभाग भी पीछे नहीं है। वहीं अधिक जानकारी देते हुए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब प्रदेश में पुलिस के सभी पेट्रोलिंग वाहन चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे। पेट्रोलिंग अब चीता मोबाइल करेगी। जब पीएम मोदी चीता छोड़ेंगे तभी मोबाइल सायरन बजाएगी। पूरे प्रदेश में एक ही समय पर सायरन बजाया जाएगा। प्रदेश में पुलिस विभाग के पास 5,000 से अधिक टू व्हीलर हैं। आपको बता दें कि पुलिस विभाग में जवानों की टीम चीता पार्टी के रूप में काम करती है। उनके टू व्हीलर वाहनों को भी चीता ड्रेसी शक्ल में ढाला गया है। ये चीता पार्टी पेट्रोलिंग भी करती है। बाकी हाईवे और रात्रि गश्त में पेट्रोलिंग वाहन लगते हैं। गृह मंत्री के अनुसार अब जितने भी वाहन पेट्रोलिंग करते हैं वे चीता मोबाइल ही कहलाएंगे। जो टू व्हीलर के पेट्रोलिंग वाहन हैं जो गश्त करते हैं वो एक रूपता लाते हुए अब ये सभी टू व्हीलर वाहन अब चीता मोबाइल के नाम से जाने जाएंगे और पेट्रोलिंग पूरे प्रदेश में चीता मोबाइल करेंगे। कल जब प्रधानमंत्री जी वहां चीते छोड़ेंगे उस समय एक बार ये सायरन बजा के अपने गश्त का प्रारंभ कल से एक रूपता, पहले से भी चीता मोबाइल कुछ जगहों पर था, अलग अलग नाम से था, अब इसमें एक रूपता लाके चीता मोबाइल के नाम से ये मोबाइल पुलिस हमारी जानी जाए।